हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, टेड ह्यूज की विन एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है जिसके अंदर पोएट डिस्क्राइब कर रहे हैं एक स्टॉर्म। स्टॉर्म होता है आंधी, जहाँ पे बहुत तेज़ी से हवाएं चलती हैं और हवाओं के तेज़ी से चलने की वजह से घर या फिर खेत खलिहानों में काफ़ी नुकसान होता है। तो इस आंधी के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि उस आंधी की वजह से किस तरह से बाहर पे भी नुकसान हो रहा है, घर के बाहर भी नुकसान हो रहा है और साथ ही साथ जो इंसान है उनके मन के ऊपर किस तरह से असर हो रहा है। तो चलो इस पोएम का लाइन बाय लाइन मीनिंग जानते हैं और समझते हैं कि पोएट आखिर क्या कहना चाह रहे हैं। पहले स्टांजा के अंदर वो शुरू करते हैं, दिस हाउस हैज़ बीन फार आउट एट सी ऑल नाइट, द वुड्स क्रैशिंग थ्रू डार्कनेस, द बूमिंग हिल्स। अब यहाँ पे जो पहली लाइन है उसके अंदर उन्होंने डायरेक्टली बता दिया कि वो आखिर कहाँ पे है। वो कह रहे दिस हाउस, ये घर, तो वो अपने घर की बात कर रहे जहाँ पे वो है। और वो कह रहे कि ये जो हाउस है, ये घर है, वो आउट एट सी, मतलब ऐसा है कि जैसे ये समंदर में हो। तो इस तरह से इमेजिन करें तो क्यों, क्योंकि जिस तरह से समुंदर के अंदर कोई नाव होती है तो वो जिस तरह से हिचकोले खाती है या उसके ऊपर जिस तरह से नेचर का इम्पैक्ट होता है, ठीक उसी तरह का इम्पैक्ट उनको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जब आंधी की वजह से हवाएं तेज़ी से बह रही है तो घर हिलने लगा है उनका, और इस वजह से उन्हें ऐसे लग रहा है जैसे कि हम ज़मीन पे नहीं हो बल्कि सी में हो या समंदर में हो। साथ ही साथ वो कह रहे हैं द वुड्स क्रैशिंग थ्रू डार्कनेस, और वो कह रहे हैं जो वुड्स, जो जंगल है आसपास के, वो डार्कनेस के अंदर, अंधेरे के अंदर वो क्रैश हो रहे हैं, वो गिर रहे हैं नीचे, क्योंकि आंधी की वजह से जो पेड़ होते हैं वो पेड़ नीचे गिर जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं। साथ ही साथ द बूमिंग हिल्स, जो हिल्स हैं इस तरह के जो पहाड़ हैं वो बूम कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर से आवाज़ें आ रही है, ध्वनियाँ आ रही हैं आसपास, क्योंकि जब तेज़ी से हवाएं बहती है तो जो ऊंचे पहाड़ होते हैं उसमें से काफ़ी अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनने को आती है। विंड्स स्टैम्पेडिंग द फील्ड्स अंडर द विंडो, फ्लाउंडरिंग ब्लैक अस्ट्राइड एंड ब्लाइंडिंग वेट टिल दे रोज। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो विंड्स हैं, जो हवाएं हैं, वो क्या कर रहे हैं, स्टैम्पीड कर रहे हैं। स्टैम्पीड करना मतलब पैरों के नीचे रोन देना। तो वो कह रहे हैं जो विंड है, जो तेज़ी से बहने वाली हवाएं हैं, वो किस चीज़ को रोन दे रही है अपने पैरों के नीचे, फील्ड्स को, खेत खलिहानों को, जो कि अंडर द विंडो है। इनका घर मान लीजिए इस तरह से है तो यहाँ पे कोई खिड़की है तो इसके नीचे जो एक खेत खलिहान है उनको ये जो विंड है या ये हवाएं हैं वो स्टैम्पिड कर दे अपने पैरों के नीचे, रोन दे रही है। और साथ ही साथ वो क्या करें, सुबह होने तक, अगली दिन की सुबह होने तक वो पूरी तरह से ब्लाइंडिंग वेट कर दे रही है, और जो अपनी अस्ट्राइड है, अस्ट्राइड मतलब अस्ताव्यस्त कर देना, पूरी तरह से तहस नहस कर देना। तो वो कर रहे हैं कि फ्लाउंडरिंग कर दे रहे हैं, अस्ट्राइड कर दे रहे हैं और ब्लाइंडिंग वेट पूरी तरह से गीला कर दे रहा है अगली सुबह होने तक पूरे खेत खलिहानों को। तो ये जो पहला स्टांजा था इसका मतलब ये हुआ कि ये रात का नज़ारा है, रात में सब कुछ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो कह रहे हैं टिल दे रोज, जब तक सुबह नहीं होती तब तक इस तरह का माहौल बना। अब अगले स्टांजा के अंदर वो जो बताने वाले हैं यहाँ से लेकर नीचे, ये सब कुछ अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह किस तरह से वातावरण बना है उसके बारे में। देन अंडर एन ऑरेंज स्काई, अब वो कहते हैं कि उसके बाद अंडर एन ऑरेंज स्काई, जो स्काई का कलर या आकाश का कलर ऑरेंज कलर का कब बनेगा, सुबह सुबह, क्योंकि सुबह जब सूरज उगता है तो उसका कलर कुछ कुछ ऑरेंज कलर का होता है। तो वो कह रहे हैं अंडर एन ऑरेंज स्काई द हिल्स हैड न्यू प्लेसेस, अब वो कह रहे हैं कि जो हिल्स हैं, जो पर्वत है, उनके यहाँ पे न्यू प्लेसेस, नई जगह बन गई। क्यों, क्योंकि जब आंधी आई रात को तो आंधी की वजह से सब कुछ तहस नहस हो गया, जो पेड़ खड़े थे वो पेशा भी नीचे गिर गए हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी वहाँ पे नई जगह बन गई है, नया प्लेस बन गया हो, पुराना कुछ भी नहीं है वहाँ पे। एंड विंड विल्डेड ब्लैक लाइट, और साथ ही साथ जो विंड है, जो हवाएँ है, वो क्या कर रहे हैं, वो उत्पन्न कर रही है ब्लेड लाइट, तो आंधी वाली, जो जोर से जब आंधी आती है तो आप देख रहे हो काली काली हवाएं आपको दिखती है, ऐसे नहीं कि आपको सब कुछ क्लियर दिखता है, बल्कि वहाँ पे ब्लेड लाइट इसलिए उन्होंने यूज़ किया है क्योंकि वो काली काली हवाएं
बहती रहती है उस वक्त, ल्यूमिनस ब्लैक एंड एमराल्ड। और उसी को आगे एक्सप्लेन करें कि ल्यूमिनस ब्लैक पूरी तरह से, वो जो आंधी की हवा होती है वो ल्यूमिनस, क्योंकि सुबह का वक्त है तो इस वजह से सूरज की रोशनी भी उस आंधियों के ऊपर पड़ रही है, और आंधी के साथ काफ़ी तरह धूल होती है और मिट्टी होती है, इस वजह से ब्लैक दिख रहा है। तो वो कह रहे कि वो चमक भी रही है और ब्लैक कलर की है, एमराल्ड की तरह से वो आंधी उनको दिख रही है सुबह सुबह। फ्लेक्सिंग लाइक द लेंस ऑफ मैडा है, और वो कह रहे हैं कि ये जो आंधी है वो इस तरह से फ्लेक्स कर रही है, इस तरह से चमक रही है जैसे वो मैड आए हो, मतलब पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो। बाद में वो कह रहे हैं, एट नून आई स्केल अलोंग द हाउस साइड एज फार एज द कोल्ड हाउस डोर। अब वो कह रहे हैं कि दोपहर के वक्त, जब नून का टाइम हो गया, दोपहर का वक्त हो गया, तो वो चढ़ के गए, उन्होंने स्केल किया अपने हाउस पर, और कहाँ तक वो गए, द कोल हाउस, जो पुराने समय में जो घर होते थे उनके यहाँ पे बिजली उत्पन्न करने के लिए या फिर गर्मी के लिए कोल या कोयले का यूज़ किया जाता था, तो कोयले के लिए सेपरेट घर हुआ करता था। तो उन्होंने क्या किया, वो चढ़ते चढ़ते गए कोल हाउस तक। वंस आई लुक्ड अप थ्रू द ब्रंट विंड दैट डेंटेड द बॉल्स ऑफ माई आईज द टेंट ऑफ द हिल्स ड्रम्ड एंड ट्रेंडिस गायरोप। अब वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने देखा, जब उन्होंने ऊपर की ओर देखा थ्रू द ब्रंट विंडो, ब्रंट विंडो मतलब ऐसी विंडो, ऐसी खिड़की जो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, तो वो कह रहे हैं जब उन्होंने उस खिड़की में से बाहर देखा जो पूरी तरह से ब्रंट हो गई है, तो उनके आईबॉल्स जो थे, उनके आँखों के जो आईबॉल्स थे वो उसके ऊपर बहुत उनको गहरा असर पड़ा, डेंट हो गए उनके आईबॉल्स, मतलब वो दब गए, इतनी तेजी से हवा बह रही थी। और साथ ही साथ उन्होंने देखा कि जो हिल्स है, जो पर्वत है, वो क्या कर रहे हैं, वो ड्रम कर रहे हैं, उसमें से आवाज़ आ रही है जैसे वहाँ पे ड्रम कर रहा हो। और साथ ही साथ उसके जो गायरोप्स क्या होता है, ऐसे जो टेंट होती है, तो वो इमेजिन कर रहे कि ये जो पर्वत है वो कोई टेंट है, और जो उनको हम बांधते हैं साइड से टेंट को, उस दूरी को कहते हैं गायरोप। और वो इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्वत अभी इधर उधर हिलने लगे हैं, और इनकी जिस दूरी से, जिस रस्सी से बांधा है, वो रस्सी अभी ढीली होती जा रही है, उसकी पकड़ ढीली होती जा रही है। द फील्ड्स क्विवरिंग, जो नीचे के खेत खलिहान है वो क्विवर कर रहे हैं, मतलब वो अभी ऐसे कपकपा रहे हैं। द स्काईलाइन अ ग्रिमेस, और साथ ही साथ जो स्काईलाइन है, जो आकाश है, वो ग्रिमेस है, अगली दिख रहा है, गंदा सा दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे उतनी ज़्यादा चमक नहीं है। एट एनी सेकंड टू बैंग एंड वैनिश विद द फ्लैप, और ऐसे लग रहा है कि एट एनी सेकंड, किसी भी पल क्या हो सकता है, सब कुछ वैनिश हो सकता है विद अ फ्लैप, एक ही क्षण के अंदर सब कुछ तहस नहस हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, क्योंकि इस वक्त जो नेचर है, निसर्ग है, वो अपने सबसे रौद्र रूप में है, और इस वजह से इंसानी शक्ति के हाथ में कुछ है ही नहीं, इंसान के कंट्रोल में कुछ है ही नहीं, तो इस वजह से उन्हें लग रहा है कि किसी भी पल सब कुछ तहस नहस हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। द विंड फ्लंग अ मैगपाई अवे एंड अ ब्लैक बैग गल बेंट लाइक एन आयरन बार स्लोली। अब वो कह रहे हैं कि जो विंड है वो अपना कहर नेचर के ऊपर भी बरसा रही है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उसने क्या किया, जो मैगपाई नाम का पक्षी होता है उसे उछाल के फेंक दिया विंड ने। मान लो कोई मैगपाई ऐसे हवा में उड़ रहा था, तो विंड ने क्या किया, हवा में वो उड़ के फ्लंग हो गया, कहीं दूर फेंक दिया उसे। और साथ ही साथ जो ब्लैक बक नाम का पक्षी है, पंछी है, उसको विंड ने बेंड कर दिया, मतलब उसे ऐसे मोड़ दिया स्लोली, आसानी से नेचर के ऊपर ही अपना कहर बरसा दिया। उसने ये नहीं देखा कि ये जो पंछी है ये भी नेचर का हिस्सा है, तो मैं उसके ऊपर कहर ना बरसाऊं। द हाउस रैंग लाइक सम फाइन ग्रेन गॉबलेट इन द नोट दैट एनी सेकंड वुड शैटर इट। और अब वो कह रहे हैं जो घर है वो रैंग कर रहा था, वो इस तरह से वाइब्रेट हो रहा था, उसमें से इस तरह की आवाज़ें आ रही थी जैसे कि कोई फाइन गॉबलेट हो। गॉबलेट क्या होता है, जो वाइन का ग्लास होता है उससे आप मान सकते हो कोई गॉबलेट होना, तो उसके ऊपर जब आप आवाज़ें या
आवाज़ें निकालते हो तो शैटर हो जाता है, वो टूट सकता है। तो ऐसा ही लग रहा है जैसे घर कोई गॉबलेट हो और उस गॉबलेट में जब ये हवाएं या विंड आंधी तेजी से बह रही है तो किसी भी क्षण किसी भी सेकंड वो टूट सकता है। नाउ डीप इन चेयर्स इन फ्रंट ऑफ द ग्रेट फायर वी ग्रिप आवर हार्ट्स एंड कैनॉट एंटरटेन बुक। अब वो कह रहे कि अब इस क्षण हम हमारे चेयर्स में हमारी कुर्सियों में हम बैठ गए हैं, डीप हम कुर्सियों के अंदर समा गए हैं और हमारे सामने ग्रेट फायर है। गर्मी के लिए जो घर के अंदर फायर लगाई जाती है वो फायर हमारे सामने है और हम क्या करें, हम हमारे हार्ट्स को पकड़े हुए हैं। ग्रिप करना मतलब पकड़ना, होल्ड करना। और साथ ही साथ हम बुक में भी एंटरटेनमेंट नहीं कर सकते, हम अभी किताबें भी नहीं पढ़ सकते खुद को एंटरटेन करने के लिए, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान तो आंधी की वो है कि अभी क्या होगा हमको पता ही नहीं है। और साथ ही साथ हम थॉट भी नहीं कर सकते। आंधी का असर सिर्फ बाहर नेचर पे ही नहीं, हमारे मन के ऊपर भी हुआ है। ना तो हम किताबें पढ़ सकते हैं, ना ही हम थॉट कर सकते हैं, ना ही सोच सकते हैं कुछ और ईच अदर। और साथ ही साथ हम ईच अदर एक दूसरे को भी हम देख नहीं सकते या फिर एक दूसरे को भी हम एंटरटेन नहीं कर सकते, हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते क्योंकि हम खुद में ही खोए हुए हैं, हमें खुद की ही चिंता है इस वक्त। वी वॉच द फायर ब्लेजिंग। और हम अब यहाँ पे वो ये एक्सप्लेन नहीं करें कि वी मतलब कौन, उनके साथ आखिर कौन है, उनकी बीवी है, उनका फ्रेंड है या परिवार है, वो कोई भी स्पेसिफिकली नहीं बता रहे। वो बस बता रहे कि हम जो फायर है, जो आग है सामने वाली जो फायर प्लेस में, हम उसे ब्लेजिंग, उसे बढ़ते हुए देख रहे हैं। और साथ ही साथ एंड फील द रूट्स ऑफ द हाउस मूव। और हम ये भी फील कर पा रहे हैं, ये भी हम फील कर पा रहे हैं कि हमारे घर का जो रूट है, जो सबसे निचला हिस्सा है, वो अभी मूव हो रहा है, वो हिलने लगा है। मतलब पूरी रात भर और दूसरे दिन भर भी जब आंधी बह रही है बार बार लगातार, तो घर का जो सबसे निचला हिस्सा है, जो बेसमेंट है, वो तक अभी कमज़ोर हो चुका है। बट सिट ऑन सीइंग द विंडो ट्रेम्बल टू कम इन। लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, फिर भी हम बैठे रहेंगे और ये देख रहे हैं कि जो विंडो है, जो सामने वाली खिड़की है, उसे कप कपाते हुए, उसे कांपते हुए हम देख रहे हैं और उसमें से जो ट्रेबल, उसमें से जो ध्वनियाँ अंदर आ रही है उसे हम देख रहे हैं। हेयरिंग द स्टोन्स क्राई आउट अंडर द हॉरिजॉन्स। और हम आवाज़ें सुन रहे हैं स्टोन्स की, पत्थरों की, जो हॉरिजॉन्स के नीचे मतलब आकाश के नीचे सारे पत्थर, उनकी आवाज़ें हम सुन पा रहे हैं। मतलब जब आंधी इस तरह से अपना कहर बरसा रही है तो पत्थरों की भी आवाज़ें आने लगी है। इस तरह तक, इस हद तक आंधी ने अपना रौद्र रूप दिखाया हुआ है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको इस पोएम का मीनिंग अच्छे से समझ गया है। अगर कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट लिख के पूछ सकते हो।